बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका एमसीजीएम ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद, वेलकम हर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि बहुत ही दिलचस्प इन्फॉर्मेटिव है और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात, उम्मीद है आप सभी खैर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग एमसीजीएम ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दुअम, स्टैंडर्ड सेकेंड, मजमून रियाजी, ये है आपकी रियाजी की किताब। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड टू। आओ इस्तेमाल करें हिंदी सी शक्लें। हिस्सा अव्वल, लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक शेप्स। पार्ट वन, जमा करें माचिस की डिबिया, टूथपेस्ट के बॉक्स, मिठाई के बॉक्स, पानी की बोतलें, मुख्तलिफ जसामत की गेंदें, कार्ड शीट से बनाई हुई जोकर की टोपी, कार्ड शीट की नली यानी स्ट्रो जिसे हम जूस पीते हैं, लेट्स कलेक्ट मैच स्टिक बॉक्सेस, कार्टून्स ऑफ टूथपेस्ट, मिठाई एक्सेट्रा, वाटर बॉटल्स, बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, क्लॉन कैप एंड पाइप्स मेड ऑफ कार्ड पेपर। मेज पर रखी हुई चीजों का मुशाहिदा कीजिए और एक जैसी शक्ल दिखने वाली चीजों का ग्रुप बनाइए। चलिए करते हैं। ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल, सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप्स।
मेज पर रखी हुई यकसा शक्लों वाली चीजों के ग्रुप बनाओ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चौकोन दिखने वाली चीजों के ग्रुप बनाएंगे। तो ये है वो एक ग्रुप। तो इसी तरह यकसा शक्लों वाली चीजों के और भी ग्रुप बनाएंगे। जो चीजें यकसा शक्लों की है उनके ग्रुप हम बनाएंगे। ये एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप्स। मिठाई के डब्बे को टटोलिए। ये है प्यारे बच्चों मिठाई का डब्बा। आप इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे और इसका मुशाहिदा करेंगे। तो किस तरह की शक्ल है ये, जिस शक्ल का है, जिस इसकी बनावट देखिए, ये चौकोन टाइप का है ना। तो ऐसी शक्ल को मकबनुमा कहते हैं, ऐसी शक्ल को मकबनुमा कहते हैं। और मकब नुमा के बारे में और जानकारी हम हासिल करेंगे। पिक अप एंड हैंडल अ मिठाई बॉक्स। अ शेप सच एज दिस इज कॉल्ड अ कोबाइट और अ पैरेलल पाइप्ड। मुकबनुमा यानी ईंट की शक्ल। प्यारे बच्चों तुमने ईंट देखी होगी, ईंट की शक्ल जैसी शक्लों को मुकबनुमा कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये है ईंट। ईंट जो घर बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है ईंट का। तो इसकी शक्ल जो है वो मकबनुमा है। आप देख रहे हो ये ईंटें एक साथ रखी हुई है। यू मस्ट हैव सीन ब्रिक्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। एनी ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ ब्रिक इज called a cuboid, cuboid or parallel। मुकबनुमा इस मुकबनुमा को कितने किनारे हैं और कितने कोने हैं इसका मुशाहिदा हम करेंगे और जानेंगे कि मुकबनुमा के कितने किनारे हैं और कितने कोने हैं। Bite. Let's see. How many edges does this shape have? How many corners? Let's see. मुकबनुमा आओ तलाश करें। अब हम मुशाहिदा करेंगे, हम जानेंगे, हम तलाश करेंगे क्या मुकबनुमा के किनारे। तो मुकबनुमा के किनारे कितने हैं, ये है किनारा और क्या मालूम करना है हमको, कोना। तो मुकबनुमा के कोने कितने हैं अब हम ये मालूम करेंगे। मुकबनुमा इसके कोने हम पता लगाएंगे कितने हैं। तो ये हो गए एक, आप यहाँ देखते जाइए, एक कोना, और उसके बाद दो, तीन, चार, पांच, छः,
सात, आठ, तो मुकबनुमा के कितने कोने हैं? आठ। मुकबनुमा के कितने कोने हैं बच्चे? आठ। आठ कोने हैं मुकबनुमा के। अब हम देखेंगे क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर्स है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट कॉर्नर्स। क्यूबॉइड हैज एट कॉर्नर्स। अब हम देखेंगे मुकबनुमा के किनारे। मुकबनुमा के किनारे कितने हैं? तो काउंट करो, यू नो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। तो मुकबनुमा के किनारे कितने हैं? बारह किनारे हैं प्यारे बच्चों। मुकबनुमा के किनारे बारह हैं। कितने हैं? लेट्स काउंट एजेस ऑफ क्यूबॉइड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। हाउ मेनी एजेस अ क्यूबॉइड हैज? ट्वेल्व एजेस। ट्वेल्व एजेस। चलो अब मुकबनुमा की सतह का मुशाहिदा करें। देखो कैसे हमवार सतह है। इसे कुल छह सतह हैं। इस मकबनुमा की सतह हमवार हैं, इसलिए अगर फिसलन पर रखे तो फिसलते हुए आएगा। तो हम देखेंगे मकबनुमा की सतह कैसी है। मकबनुमा की सतह जो है वो हमवार है। इसे कुल छह सतह हैं। कितनी सतह हैं? छह। चलिए गिनिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कितनी सतह हुई? छह सतह। इस मुकबनुमा की सतह हमवार हैं। ये हमने इसकी सतह गिन लिए हैं और इसकी सतह कैसी है? हमवार है। और अगर मुकबनुमा को फिसलन तख्ते पर रखें तो ये फिसलते हुए नीचे आएगा। इस तरह से देखिए आपने। लेट्स फाइंड नाउ, लेट अस
प्यारे बच्चों आपने देखा, नाउ लेट अस लुक एट द सरफेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। दे आर ऑल फ्लैट। अ क्यूबॉइड हैज सिक्स सरफेसेस ऑल टुगेदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। A cuboid has 6 surfaces altogether. If we place a cuboid on a slide in a park, it will be slipped down. The slope because of its flat surface. तो हमने मकब नुमा के सतह का मुशाहिदा किया है। इसकी सतह कैसी है प्यारे बच्चों? हमवार है। इसकी सतह हमवार है। इसके कुल 6 सतह हैं। इस मकब नुमा की सतह हमवार है, इसलिए इसे अगर फिसलन तख्ते पर रखें तो वो फिसलते हुए नीचे आएगा। आओ करके देखें, हम फिसलन तख्ते पर मुकबनुमा को रखेंगे तो क्या होगा? इस तरह से फिसलते हुए नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी सतह जो है मुकबनुमा की सतह हमवार है। इफ We place a cuboid on a slide in a park, it will slip down the slope because of its flat surface. आओ तलाश करें। मेज पर रखी हुई मकबनुमा शक्लों वाली चीजें, जिसकी मेज पर जितनी भी चीजें रखी हैं उनकी शक्ल आप देखिए और पहचानिए। जिनकी शक्ल मुकबनुमा से मिलती है उसके क्या करना है, हमको एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं मुकबनुमा शक्लों वाली? ये एक है, ये और ये और ये, हमने ये इसके ग्रुप बना लिए। मखरूत। अब हम देखेंगे कि तुमने बनाई हुई जोकर की टोपी मखरूत के जैसी है। यह है जोकर की टोपी जो कि मखरूत की तरह है। आपने टोपी बनाई है प्यारे बच्चों? क्या आपकी बनाई हुई टोपी इसी तरह मखरूत है? Now let's take a look at the clown's cap you have made. Cone. Its shape is called a cone. मखरूत आइसक्रीम का कोन या जोकर की टोपी जैसी बनावट को मखरूत कहते हैं। जैसे इसकी और मिसालें हैं आइसक्रीम की कोन और मेहंदी की कोन और जोकर की टोपी, जिनकी शक्ल मखरूत की तरह दिखाई देती है। तो आपने इसे देखा भी है और बनाया भी है, और आइसक्रीम आपने खाया है कोन की आइसक्रीम, तो वो जो कोन होता है वो मखरूत की शक्ल का होता है, और जो मेहंदी की कोन
द शेप लाइक अ क्लाउन्स कैप और फूल्स कैप इज कॉल्ड कोन। अब मखरूत के मुतालिक और मालूमात हासिल करेंगे। तो मखरूत को एक किनारा और एक कोना होता है, तो यह है कोना। यहां देखिए, ये कोना है और ये किनारा है। तो मखरूत को एक किनारा और एक कोना होता है। कोन मखरूत खड़ा और तिरछा किसी तरह मुड़ा हुआ है। खड़ा और तिरछा ऐसा किस तरह मुड़ा हुआ है? इस मुड़े हुए हिस्से को हमदार सतह कहते हैं। ये जो खड़ा और तिरछा ये कैसे मुड़ा हुआ है? इस मुड़े हुए हिस्से को हमदार सतह कहते हैं। मखरूत की हमवार सतह दायरे नुमा होती है। मखरूत की हमवार सतह जो है वो दायरा नुमा होती है। यह है हमवार सतह। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो खड़ा और तिरछा किस तरह मुड़ा हुआ है, ये हिस्सा किस तरह मुड़ा हुआ है, खड़ा और तिरछा हिस्सा किस तरह मुड़ा हुआ है, इस मुड़े हुए हिस्से को कहते हैं हमदार सतह। मखरूत की हमवार सतह जो है वो दायरा नुमा है। ये देखिए, ये दायरा नुमा है। इससे ये कौन सी सतह है? हमवार सतह। A cone has one edge and one corner. A cone has one edge and one corner. Cone has one edge and one corner. A corner has one edge and one corner. The flat base of a cone is circular. See how the sloping surface of a cone turns continuously around. It's called the curved surface, and this is flat surface. The flat base of a cone is circular. See how the sloping surface of a cone turns continuously around. It's called the curved surface. मखरूत को एक किनारा और एक कोना होता है। और हमने देखा ना प्यारे बच्चों कि मखरूत को एक किनारा और एक कोना होता है। एक किनारा और एक कोना होता है। खड़ा और तिरछा
हिस्सा किस तरह मुड़ा हुआ है। आप ये देखो, ये इस तरह से मुड़ा हुआ है, खड़ा और तिरछा हिस्सा जो है वो इस तरह से मुड़ा हुआ है। मखरूत की हमवार सतह दायरा नुमा है, ये जो मखरूत की हमवार सतह है वो दायरा नुमा है। इस मुड़े हुए हिस्से को हमदार सतह कहते हैं, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है। तो आज हमने जिन जिन हिंदसी शक्लों की मालूमात हासिल की है वो है मुकबनुमा और कौन सी शक्ल के बारे में हमने मालूमात हासिल की है, मुकबनुमा और मखरूत, इन दो शक्लों के बारे में मालूमात हमने हासिल की है। कौन कौन सी प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको, तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप ज़रूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी, तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको उसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है उसको आप प्रेस कीजिए, तो वो वीडियो लाइक, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अजीज तुलबा तालबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारामद साबित होंगी, और हम मिलते हैं अगले सेशन में।